11 रुपया निश्चित जिन प्लेइंग पे रहेगा। जिनमें पुरस्कार राशि के रूप में जो प्लेइंग रहेगा 8, 9, 10, 11, 12 तरीके की मैच होने वाली है। प्रथम पुरस्कार के रूप में 1 लाख रुपया, द्वितीय पुरस्कार के रूप में 70,000, तृतीय पुरस्कार के रूप में 40,000, फोर्थ पुरस्कार के रूप में 30,000 और पांच बाकी जो 8वां पुरस्कार रहेगा सब 4 पुरस्कार 10,000 रुपया रहेगा। उसके साथ साथ ट्रॉफी रहेगा। सभी टीमें से निवेदन है कि आप माटाणी क्लब करंजियापुरा की कमेटी पर आप संपर्क करेंगे और उस टूर्नामेंट में आप सहयोग करेंगे, उम्मीद करेंगे। और कहते कहते रह जाते मंडल के बीचों बीच क्या होगा ये मैच, कौन बनेगा दूसरा क्वालिफायर से फर्स्ट टीम में, क्या टीम मिले पहचान या टीम इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी जिनको हम तालाब जिस क्षेत्र में उस क्षेत्र में टीम इंडियन आर्मी और हमारे रोड इन साइड में टीम एलियन पासा। लंबा थ्रो यहां पर साथ प्लेयर के लिए जिनको होल्ड करने का प्रयास विजय लेकिन रिसीव नहीं कर पाए और ये कभी भी टीम के पास खाली विजय सरकार के लिए विजय सरकार ने गेंद को होल्ड करते हुए अच्छी तालमेल के साथ आगे बढ़ते हुए संदीप के पास गेंद, संदीप ने बैक पास करता हुआ गेंद को होल्ड करते हुए अच्छी नियंत्रण रहेगा क्या यहाँ पर विजय इधर वाला संदीप घुटा हुआ है राइट साइड से, राइट साइड से करने का पूरी प्रयास करता हुआ टीम है। Gracias.
अरे धन्यवाद विकास जी, जिस तरह से आपने यहाँ पर विवरण प्रस्तुत करे थे दोनों टीमों के बारे में, एक स्तर की टीम है इंडियन आर्मी जो हॉस्टल से बिलोंग करती है, युवा खिलाड़ी उस टीम में नजर आता हुआ, और देखा जाए दूसरी तरफ से एलपीएस न्यू जूनियर टीम लापहासा उनकी जर्सी को देखकर मुझे अनुमान लग रहा है टीम राणा के नाम से ज्यादातर मैच खेलती है, लेकिन देखते हैं आज यहाँ पर क्या करके टीम राकेश के लिए फोटो यहाँ पर निकालना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं पर जरिए तेरह नंबर के फोटो पर तेरह नंबर के डिफेंडर तैयार, आप जानते हैं क्या भूमिका अपनी टीम के अदा करना है, और इस समय फोटो पड़ा दस नंबर के बोल वहाँ पर मारे किया सुंदर तरीके से वहाँ पर बहुत हस्ती, अगर बात किया जाए तो कोई गलत नहीं होगा इस समय अश्विनी कमाल का टैक्टिक सुनील के आगे में, और जहाँ तक देखा जाए तो एक मास्टर माइंड के साथ सुनील अपनी टीम को आगे क्यों ले जाते हैं, क्या भूमिका रहेगी आज सुनील सरदार और राकेश के लिए, ये देखने वाली बात रहेगी। समय दानी छोटर से पुल को निकाला सा, लेकिन पुल जाएगी साइलेंस दूसरा क्वार्टर फाइनल इस समय चलता है इंडियन आर्मी बनाम एलपीएस न्यू जूनियर टीम लापहासा के बीच में, तमाम दर्शक बिल्कुल यहाँ पर छाता का सहारा लेकर, कोई दर्शक थी कोई छाता कोई प्लास्टिक थी इत्यादि लेकर मैच का आनंद ले रहे हैं, कुछ कुछ टूर्नामेंट का आनंद ले रहे हैं, बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही शानदार मुकाबला चलता हुआ बिल्कुल भी अपनी जगह से दस से मच नहीं होना चाहते हैं, और अंतिम समय तक यहाँ पर फाइनल का नजारा तक कर अपने आप को होने के लिए बिल्कुल भी देता है, और इस समय फोटो निकाला फिर से बहुत ही सुंदर तरीके से अपनी फोटो निकाले कॉम्बिनेशन का पीछी, और जैसे कि जिस तरह से अंतिम की टीम को अपील इस्तेमाल करते हुए गोल को रोकने में कामयाब, 12 नंबर ने यहाँ पर सुंदर कदम का इस्तेमाल किया, लेकिन अंतिम समय में गोल को जीरो रिंगल से डाली थी, लेकिन नियंत्रण नहीं बोल जाएगी साइड लाइन से बाहर, खत्म मैच है, तमाम दर्शकों की दिखाई यहाँ पर पाकिस्तान की जाली को ऊपर बनाए रखे, अधूरी तरह अगर दुआ कर रहे होंगे दर्शक टीम में इंडियन आर्मी पानसी से क्या को लेकर चलता आज इंडियन आर्मी कुछ चेंजिंग करिए हुए हैं टीम इंडियन आर्मी ने भी आज, क्योंकि जीतना जरूरी है ना, हारना जरूरी है ना जीतना जरूरी है, ये एक खेल है खेलना जरूरी है, इस उद्देश्य के साथ दोनों टीम मिलता और मौका बनेगा, क्या कमाल की गोलकीपिंग क्या है आज अगर पूछा जाए दीपक खिस्सा के द्वारा, एक समय लगा कि सुनील सरदार यहाँ स्कोर कर जाएंगे, लेकिन ऐसे कुछ देखे को मिला नहीं, और ये अक्सर क्वार्टर फाइनल का जो मैच रहता है इस प्रकार की मैच रहता है, थोड़ा सा आगे जाने के इससे पहले तक इस सफर को तय करने के लिए तीसरा और चतुर्थ पुरस्कार एक और दो पुरस्कार तक जाने के लिए इस प्रकार ये मैच है यहाँ पर हम देख रहे हैं, लेकिन अभी तक दोनों टीम तरफ से गोल स्कोर देखने को मिला नहीं है, पर परंपरा अभी तक शून्य शून्य के साथ खेलता हुआ, नंबर छः नंबर के पास गेंद हल्की स्पेस में यहाँ पर रमेश के लिए, रमेश ने यहाँ पर 12 नंबर के बाद 16 के पास गया, 16 है खेल साथी प्लेयर के लिए अच्छी मौका बनेगा क्या, और चतुर्थ यहाँ पर मौका था थोड़ा सा गेंद दूरी रहा और उनको भली भांति पता है कि किस प्रकार से खेला जाता है, जिसमें पांच गए पहले में ख्याली बांसी मिडफील्ड के अक्सर अपनी कार्य को संभालते हैं, तो काफी कुछ यहाँ पर टीम को मशक्कत करना पड़ रहा है यहाँ पर अगर पासा फुटबॉल टीम, और कहते कहते ये मैच का मध्यांतर और मध्यांतर तक अगर देखा जाए तो दो टीमें शून्य शून्य सवाल रहेगा टीम के लिए, टीम अभी भी शून्य शून्य की स्थिति में बातचीत करते हुए यहाँ पर सुनील सत्ता के लिए सुनील सत्ता ने यहाँ पर चतुर के लिए मौका बना था, ये कमाल के मौका था यहाँ पर चतुर
अपने टीम के लिए इसको ला सकता है कि खतरनाक खिलाड़ी के रूप में जाने जाते हैं चतुर। थोड़ा सा गेंद स्किप करने को गोलकीपर के लिए दिक्कत रहेगा इस हल्के की बूंदाबांदी पुत्र से चलता हुआ। ये अगस्त और सितंबर की जो महीना रहता है बरसात की महीना होती है और बारिश की हमें सख्त जरूरत है क्योंकि हम किसान हैं तो हमें बारिश की भी सख्त जरूरत है और इसी उद्देश्य के साथ दर्शक अपनी जगह से खड़े हुए हैं और लाजवाब तरीके से मैच को दिखाते हुए मौका बनेगा संदीप के लिए। शॉट लिया संदीप नियंत्रण में नहीं गेंद को अभी नियंत्रण में नहीं पाए और जाता हुआ गेंद यहाँ पे अगर देखा जाए गोले से बाहर कोई खतरा नहीं बैठा अभी भी वही स्थिति सुनने सुनने की स्थिति में चलता हुआ अग्रवाज के साथ बड़े भाई रामलाल जी को मैं स्वागत चाहूंगा इस लाइव में इसी कॉमेंट्री में स्वागत है रामलाल जी। धन्यवाद पिका जी और सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगा इस खेल के बाद जो खेल रहेगा ग्रुप बी से आपसे विशेष निवेदन रहेगा क्योंकि आप जानते हैं बारिश यहाँ पर हो रही है। जब बारिश हो जाती है तो समय से पहले ही मैदान में अंधेरा छा जाती है इसलिए आपको कमेटी को सहयोग करना है। कोचिंग एकेडमी रघुरंजन एफसी ये दोनों टीमों के कप्तान से निवेदन रहेगा मैच समाप्त होने से पूर्व आप टच लाइन पर चले आएंगे जैसे ही अंतिम मुश्किल बजेगी आप अपनी टीम को लेकर मैदान में प्रवेश करेंगे। वो टीमें हैं कोचिंग एकेडमी टीएसएफ वर्सेस रघुरंज एफसी और फिर से तमाम दर्शकों लेकर चलते हैं मैदान की ओर जहां पर एक संघर्षपूर्ण मुकाबला चलता हुआ और जैसे कि छोटे भाई टिकायत नायक जी चित्र कर रहे थे दोनों टीमों में स्टार प्लेयर मौजूद हैं। एक टीम हॉस्टल चाईबासा से बिलोंग करती है जहां पर यंग स्टार यानी ताजा कूलर की वहां पर दौड़ है उनके जहन में और जहां तक बात किया जाए एक अनुभवी टीम राकेश और सुनील सरदार जैसे अनुभवी प्लेयर माने जाते हैं राजनगर क्षेत्र के देखते हैं इसे मैच में आज क्या करेंगे। मैं जहाँ तक बात का इस समय खेल चलता हुआ पहले मैच की अगर बात किया जाए तो दोनों टीमों को समानांतर मौका मिला पहले हाफ में लेकिन गोल करने से दोनों ही टीमें वंचित रही। अभी भी तमाम दर्शक उत्साहित है इस मैच का परिणाम जानने के लिए कि ग्रुप ए से कौन सा टीम रहेगी जो दूसरा सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी और इस समय वहाँ पर प्लेट पास दिए हैं लेकिन थोड़ी सी चूक वहाँ पर दूसरे प्रयास में वहाँ पर बॉल को रिसीव जरूर किया गोलकीपर ने लेकिन इस समय फिर से बोल जाएगी साइलेंस बाहर। जमा जम बारिश के बीच तमाम दर्शकों को पुनः धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर आज इस टूर्नामेंट का आनंद लेने के लिए आए हुए हैं और बिल्कुल भी कहा जाए तो यह पर छाता प्लास्टिक बरसाती का वह सहारा लेकर इस टूर्नामेंट में बने हुए हैं। जानते हैं इतनी बड़ी रोमांचक मैच चल रही है किसी तरह से वो यहाँ से जाना नहीं चाह रहे हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो ऐतिहासिक मैच रहेगा आने वाले समय में सेमीफाइनल फाइनल का उसमें वो दोहा बनना चाहते हैं और इस समय राकेश बोल को निकाला वहाँ पर बहुत ही सुंदर तरीके से मौका है उनके पास देखेंगे क्या करेंगे टीम निकालना चाह सुनील के लिए सुनील सरदार और इस समय थोड़ी सी चूक है और कहीं ना कहीं एक बड़ी गलती करता हुआ अपनी टीम के लिए थोड़ी सी वहाँ पर बोल को रोकना सहा लेकिन रोके नहीं और थोड़ी सी बोल को वहाँ पर स्टे करते तो शायद अपने टीम के लिए ज़्यादा फायदेमंद रहता लेकिन बोल साइलेंस से बाहर चली गई लेकिन कमाल का खेल दोनों ही टीमों के द्वारा विशेष कर कहा जाए तो जो टीम है कोचिंग एकेडमी पीएसएफ की टीम है कि उभरते हुए फुटबॉल में है और कहीं ना कहीं एक बड़ी टीम को यहां पर रोकने में अब तक सफल हासिल किया है लेकिन इस समय फुटबॉल में आज अपने साथ खेलने के लिए पंद्रह टीम वहां पर निकलना चाह लेकिन फुल को रोकने में और जब तक यहाँ पर फुल को रोकते वहाँ पर झंडा लहरा चुकी है अश्विन रेफरी के फाउल के रूप में लाभ मिलेगी टीम कोचिंग एकेडमी पीएसएफ की टीम वर्तमान हम देख रहे हैं कि की टक्कर मानो एक अलग शहरी का मैच चलता हुआ और भली भांति पता है कौन सा कार किस प्रकार से टिक करेंगे उस रणनीति के साथ यहाँ पर खेलता है तो टीम के खिलाड़ी जो है टीम के खिलाड़ी वर्तमान तक अभी तक देखा जाए तो स्कोर देखने को मिला नहीं है। चतुर के पास चतुर ने अच्छी थ्रू बॉल डाला है साथी प्लेयर के लिए इस फ्लेग से यहाँ पर लेफ्ट की ओर भेजता हुआ गेंद सुंदर प्लेसमेंट यहाँ पर मिडफील्ड के लिए और मिडफील्ड ने चतुर को टूटा हुआ है राइट हुई के ग्रह से गेंद को होल्ड करते हुए आगे बात हो तो दूसरे की चकमा देने के प्रयास मौका बनेगा कि आर पी समय में गोलकीपर कांटों में जाएगा गेंद और आज बारिश के साथ साथ हल्के हल्के
मेघराजा भी दर्शक अर्चन करते हुए और बारिश के साथ साथ तभी दर्शक यहाँ पर खड़ी पत्नी बताया कि इस दिन के लिए हमें 365 दिन इंतजार करना है। इस सोच के साथ सभी दर्शक जटे हुए इसमें उठाने के लिए मतलब सर्टिफिकेशन ले चुका है यहाँ पट्टी में ले पैसा लक्ष्मण भी यहाँ बनाया गया है श्री सरदार के पास करने का प्रयास अच्छी कॉपी श्री सरदार एक करने का प्रयास करता हुआ और यहाँ पर सन्नीपुर गिरते हुए जाता हुआ दस नंबर ग्रेस मिश्रा के पास गेंद और ग्रेस मिश्रा राइट विकेट खिलाड़ी छह नंबर के लिए रफ्तार के साथ यहाँ पर राकेश यानी रमेश वोट नहीं कर पाएंगे चंडी का गेंद गोलकीपर का हाथों में सुंदर सुप्रेस पर यहाँ पर विजय सरदार के लिए विजय सरदार राइट साइड से राइट पर एक होल्ड का तो उसके बनाने के प्रयास के पास संदीप के संदीप ये विकसित करते हुए सफल होने के प्रयास से गोल रही तुम्हें इसके तावा और कमाल की प्रेस में सुनील सरदार के लिए और तो एक खिलाड़ी के बीच से पैर से पैर के बीचों बीच से कैसे निकाला था सुनील सरदार लेकिन अंतिम समय में अच्छी रिकवरी देते हुए 12 नंबर के जैसे पहले सोमनाथ लोहार जाता हूँ रमेश के पास देखते क्या करते क्या नहीं दिखने बात रहेगा शॉट लिया गया और सीधा गोलकीपर के हाथों में बहादुर के द्वारा अच्छी गोलकीपिंग काफी चमत्कार काफी बहादुर बना गोलकीपिंग यहाँ पर देखने को मिलता है बहादुर की ओर से संदीप बारिश होने के बाद वनडे में जिस पावरफुल किक रहा बारिश के बाद गेंद स्किप करने की उम्मीद है जब मैदान में बारिश हो जाती तो बॉल की स्पीड वो दोगुना हो जाती है यार कहने पर जो रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है सामना कर रहे हैं लेकिन इस समय स्टार्ट सुनील के कर्मों में बोल देखते हैं सुनील सरदार क्या करेंगे लेकिन डिफ्लेक्शन वापस आ गया फिर से कि यंग स्टार टीम इंडियन आर्मी के कदमों में इस समय बहुत इंडियन आर्मी इस समय जान क्षेत्र से जब तक चाहते थोड़ी सी अपील आई लेकिन रैपिंग तरफ नहीं उनका इशारा वहां पर है और फिर से वहां पर बोलते इस समय खड़ा है रैपिंग करके लिए मौका आई वहां पर लेकिन साथ में यहाँ पर कोई गलती नहीं करनी चाहिए और टीम कहीं ना कहीं पेनल्टी जोन में यहाँ पर लेना चाहिए पेनल्टी यहाँ पर का मौका रहेगा उनके पास सोच के साथ दोनों ही टीम यहाँ पर बिल्कुल भी कोई अपने टीम के लिए कोई मौका देना नहीं चाह रहे हैं और इस समय इंडियन आर्मी लाइन छोटे से सपोर्ट ढूंढता हुआ बोल रहा है लेकिन डिफेंडर वहाँ पर तैनात दूसरे आई और उसको नियंत्रण किए और फिर से वहाँ पर बोल निकलना सहा लेकिन ये पहले से कहती है इस समय राकेश के द्वारा उस कोच बनाया राकेश सुमित के माध्यम से फिर से कोच पाए लेने का प्रयास यहाँ पर देखते हैं काफी अच्छी मौका उनके पास साइकिल में काफी अच्छी है शायद यहाँ पर कोच रोके हैं निकालने के लिए काफी अंदर रह गए थे लेकिन हमारे करना चाहूंगा कोचिंग एकेडमी पीएसए रघु रंजन एफसी ये दोनों टीमें भी अभी आपका सर आएंगे क्योंकि धीरे धीरे तो समाप्ति को आदर्शन है और कहीं ना कहीं जैसे ही दूसरी लगे कि आप दोनों को यहाँ पर प्रवेश करना है क्योंकि मौका यहाँ पर बनता हुआ फिर से दानी चौत्र से अच्छी शुरुआत के साथ यहाँ पर दोनों ही टीमें और कहीं ना कहीं वहाँ पर तैनात लेकिन इस बीच में समाप्ति